नाज़रीन, हमारी खबर का उनवान है रात में कर्फ्यू कहाँ कहाँ लगा है और लॉकडाउन कहाँ कहाँ लगा है, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या सूरत हाल है। खबर तफसील से सुन लें। पहले हम गुजरात में बता दें, आज बुध का दिन है। आज बुध के दिन से 30 अप्रैल तक गुजरात के 20 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है और कर्फ्यू का जो वक्त है गुजरात में ये रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक का है। इन शहरों में अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, गांधीनगर, जूनागढ़, जामनगर, अमरोली वगैरह जैसे शहर हैं, इनमें 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू रहेगा और सुबह 8 बजे से 6 बजे तक रहेगा। उधर पंजाब में 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10-11 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, वहाँ सब कुछ 10 दिन बंद रहेगा। इसके साथ साथ मुंबई में आज क्या हुआ है, मुंबई में एक खबर की हेडिंग यूँ है, लॉकडाउन का डर सताने लगा है। मुंबई से बाहर के लोग जो वहाँ उत्तर प्रदेश बिहार के लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को लौटने लगे हैं। नौकरी से निकालने कंपनियाँ अपने मुलाजिमों को नौकरी से निकालने लगी हैं और मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ दिख रही है और पिछले साल की तरह धक्के मुक्के नहीं खाना चाह रहे हैं मजदूर। खबर ये थोड़ी तफसील से सुन लें मुंबई वाली। कोरोना के दूसरी लहर के बीच अब हालत वैसी ही बनने लगी है जैसी पिछले साल बनी थी। मुंबई के कोरोना के मामले में मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को फिर से लंबा लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है, इसलिए मुंबई में रहने वाले गैर मुंबई के बिरूने मुंबई बिरूने महाराष्ट्र के जो मज़दूर हैं वो अपने सूबे और शहरों की तरफ वापस जाने लगे हैं। मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर गैर महाराष्ट्री मजदूरों की भीड़ बढ़ने लगी है। रेलगाड़ियों के टिकट के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। भिवंडी और ठाणे में हालात ज़्यादा ख़राब हैं।